अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इस शो का मकसद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा आ जाएं और कभी भी आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना हो तो वर्ड्स की कमी के करके आपको चुप ना रहना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आजकल हम कुछ एपिसोड से बात कर रहे हैं होमोफोन वर्ड्स की। जी हाँ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें आवाज एक जैसी होती है पर मतलब और स्पेलिंग्स अलग होते हैं। तो चलिए, अब देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कदम इन होमोफोन वर्ड्स की तरफ। अगर आप एकदम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको कोई डाउट है या फीडबैक देना चाहते हैं तो स्काइप आईडी है हमारा रेडियो उड़ान, RADIO UDAAN। और साथ ही दोस्तों, ये फर्स्ट सेगमेंट में हम पहले बात करेंगे 5 सेट्स की और ऐसे ऐसे ये सेगमेंट्स आगे चलेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, अब देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कदम। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। और जी हाँ दोस्तों, ये है 30th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं आप किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 30th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड इन दिस सेगमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट सेट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं होमोफोन वर्ड्स की, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो सुनने में एक जैसे हैं, जिनके स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। तो चलिए, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स दिस 5 सेट्स ऑफ फर्स्ट सेगमेंट। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। The first set for this evening is guilt. जी हाँ, guilt. पहला word है GILT, guilt. यानी कि have the deep, lightly brownish color और gold. जी हाँ, जो थोड़ा थोड़ा हल्का सा brown या फिर gold color होता है उसे हम कह देते हैं guilt. So GILT, guilt. दूसरा guilt है दोस्तों GUILT, guilt. Guilt यानी कि अफसोस होना, कि आपको शर्मिंदगी हो कि आपने ऐसा क्यों किया। जैसे सपोज कीजिए, कभी कोई बात हुई और बात बात में आपको गुस्सा चढ़ गया और आपने अपने किसी को कुछ कह दिया, तो आपको गिल्ट है कि अरे मैंने क्यों कह दिया। मन में आप सोच रहे हो यार मुझे नहीं कहना चाहिए था। सो वो गिल्ट, अफसोस होना, GUILT, गिल्ट। और GILT, गिल्ट, कलर वाला गिल्ट। तो चलिए फिर, द सेकेंड सेट फॉर दिस इवनिंग इज गेट। पहला वर्ड है गेट, GAIT, गेट, यानी कि द रेट ऑफ मूविंग। जी अगर हिंदी में कहूँ तो जो चाल होती है चलने की, जो हम चलते हैं, वॉक करते हैं, चलते हैं, चाल चलते हैं, वो गेट होता है, GAIT, गेट। एग्जाम्पल देती हूँ, हर गेट इज वेरी एलिगेंट। जी हाँ, जो उसकी चाल है चलने की वो काफी एलिगेंट है। सो हर गेट इज वेरी एलिगेंट। तो चलिए, जो दूसरा वर्ड है सेकेंड सेट का वो है गेट, GATE, गेट। जी हाँ, ये जो हमारे घर के सामने दरवाजे होते हैं उन्हें हम गेट कहते हैं, या पार्क का गेट हो गया या स्कूल का गेट हो गया। सो गेट, GATE, गेट। चाल वाला गेट GAIT और दरवाजे वाला गेट GATE, गेट। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज फोर्थ। जी हाँ, फोर्थ। पहला फोर्थ है FORTH, फोर्थ, यानी कि जैसे सपोज नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जो वो फोर्थ नंबर है उसे हम फोर्थ कहते हैं, FORTH, फोर्थ। एग्जांपल देती हूँ, आई हैव अचीव्ड
the fourth position in the competition. So fourth, F-O-U-R-T-H, fourth. तो दोस्तों जो दूसरा fourth है, वो है F-O-R-T-H, fourth. जी हाँ, F-O-R-T-H, fourth. यानि कि ahead in time, order और degree. From that time, मतलब जो हम आगे का सोचें, आगे का, तो उसे हम कहते हैं fourth. तो F-O-R-T, fourth. Ahead in time, समय में आगे का सोचें तो वो fourth. F-O-R-T-H, fourth. तो चलिए, the fourth set for this evening is jeans. जी हाँ, jeans. पहला jeans है, G-E-N-E-S, jeans. G-E-N-E-S, jeans. यानि कि genetics से related है ये, जो DNA वगैरह होता है, जैसे हमारी jeans होती है, हर family में, हर व्यक्ति की jeans होती है. जैसे suppose कीजिए आपकी family की jeans है कि आप बहुत लंबे हैं, तो आपके घर में आगे भी सभी लंबे हैं, तो वो jeans है आपकी. तो G-E-N E-S, jeans. और दूसरा जो jeans है दोस्तों, वो है, well आपको पता लग ही गया होगा, वो है J-E-A-N-S, jeans. जी हाँ, J-E-A-N-S, jeans. यानि कि जो हम कपड़े पहनते jeans, पैंट जैसी होती है, पर jeans होती है, तो jeans, J-E-A-N-S, jeans. लड़के लड़कियां सभी पहनते jeans, तो jeans. तो चलिए, the fifth set for this evening is gorilla. जी हाँ दोस्तों, gorilla. पहला वर्ड है G-O-R-I-L-L-A, गोरिला. वेल दोस्तों, ये कुछ कुछ मंकी जैसे होते हैं, गोरिलास, ये आपने देखे होंगे या सुना होगा इनके बारे में, एनिमल्स के. तो ये गोरिला होते हैं, G-O-R-I-L-L-A, गोरिला. अगर सिंपल, मतलब थोड़ी इंग्लिश भाषा में कहूँ, तो इसका मतलब होता है गोरिला, ये जो है, तो ये एप होते हैं एक तरीके के, तो गोरिला एक एनिमल है. तो दोस्तों, जो दूसरा गोरिला है वो है G-U-E-R-I-L-L-A, gorilla. जी हाँ दोस्तों, G-U-E-R-I-L-L-A, gorilla. यानि कि a member of an irregular armed force that fights a stronger force by sabotage and harassment. जी हाँ, जो आम भाषा में कहूँ तो ये मिलिट्री से रिलेटेड है, उसमें जो फौज में जो हराता है दूसरे बंदे को शक्तिशाली होने के कारण या फिर थोड़ी चीटिंग करने के कारण, तो उसे हम कह देते हैं गोरिला. G-U-E-R-I-L-L-A, gorilla. A member of an irregular armed force that fights a stronger force by sabotage and harassment. तो दोस्तों, these were the 5 sets for the first segment of this 30th episode of Vocabulary Dose. Let me quickly take a recap. The first set was gilt. G-I-L-T, gilt. यानि कि color जो होता है golden, थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश गोल्डन, तो वो गिल्ट कलर. दूसरा गिल्ट था G-U-I-L-T, गिल्ट. यानि कि आपको पछतावा हो मन ही मन में, अरे मैंने क्यों किया ये, तो गिल्ट. सेकंड सेट था गेट. पहला गेट था G-A-I-T, गेट. यानि कि चाल, किसी व्यक्ति की कैसी चलने वाली चाल है, तो वो चाल G-A-I-T, गेट. जैसे कि शी हैज एन एलिगेंट गेट. तो दूसरा गेट था G-A-T-E, गेट. यानी कि दरवाजा, जैसे पार्क का हो गया, स्कूल का हो गया, घर का हो गया, तो गेट. तीसरा सेट था फोर्थ. पहला फोर्थ था F-O-U-R-T-H, फोर्थ. यानी कि जो नंबर में होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. जैसे आई गॉट फोर्थ पोजीशन इन द रेस, तो दूसरा फोर्थ था F-O-R-T-H, फोर्थ. यानी कि अहेड इन टाइम, जो समय से आगे हो, वो फोर्थ, F-O-R-T-H, फोर्थ. तो दोस्तों, द फोर्थ सेट वाज जीन्स. पहला जीन्स था G-E-N-E-S, जीन्स. यानी कि जो जेनेटिक से रिलेटेड होता है, जैसे फैमिलीज में अगर आप लंबे हैं तो आपके आगे बच्चे लंबे होते हैं, ये ऐसे बहुत सी बार आपने सुना होगा. सो जीन्स, G-E-N-E-S, जीन्स. दूसरा जीन्स था दोस्तों J-E-A-N-S, जीन्स. यानी कि कपड़ा जो हम जीन्स पहनते हैं, आपको पता ही होगा, तो जीन्स, J-E-A-N-S, जीन्स. तो फिफ्थ सेट वाज गोरिला. जी हाँ, गोरिला. पहला वर्ड था G-O-R-I-L-L-A, गोरिला. यानी कि ये एक एनिमल होता है, एप होता है, जो कि आमतौर पे सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है. तो दोस्तों, ये है गोरिला, G-O-R-I-L-L-A, गोरिला. दूसरा गोरिला है दोस्तों G-U-E-R-I-L-L-A, गोरिला. यानी कि अ मेंबर ऑफ एन इररेगुलर आर्म्ड फोर्स दैट फाइट्स अ स्ट्रॉन्गर फोर्स बाय सबोटेज एंड हैरेसमेंट.
So, dosto, these were the 5 sets for the first segment of this episode. Let me take a swift break and I'll be right back with the next segments. Happy learning. Stay tuned. You are listening
Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. So, dosto, now we are in the second segment of this 30th episode of Vocabulary Dose, and the first set for this segment is great. Ji haan dosto, great. Pehla word hai G-R-E-A-T, great, yani ki very good. Jo bahut zyada achha, bahut unda ho, usse hum kehte hain great. Jaise ki suppose ki ji aapka dost class mein first aaye, to aapne kya kaha? Wow, that's great. So great. Aur dusra get hai dosto. G-R-A-T-E, great. जी हाँ, G-R-A-T-E, great. यानि कि a frame of iron bars to hold a fire. जी हाँ, जो आग पकड़ने के लिए एक फ्रेम सा होता है लोहे का बना हुआ, तो उस फ्रेम को हम कहते हैं great. G-R-A-T-E. तो दोस्तों, the seventh set for this evening is grieve. जी हाँ, grief. पहला वर्ड है G-R-I-E-V-E, grief. G-R-I-E-V-E, grief. यानी कि cause to feel sorrow. जी हाँ, उदास, जब आपको उदासी फील हो रही हो, sad हो रहे हो आप फील, तो वो grief होता है, तो उसे हम grief कह देते हैं. G-R-I-E-V-E, grief. तो दोस्तों, जो दूसरा वर्ड है वो है grief. G-R-E-A-V-E, grief. यानी कि armor plate that protects legs below the knee. जी हाँ, जो घोड़े के निचला हिस्सा होता है टांगों का, उसके आगे जो हम आर्मर पहनते हैं, एक प्लेट सी होती है, उस प्लेट को हम कहते हैं ग्रीव. G-R-E-A-V-E, ग्रीव. तो चलिए दोस्तों, द सेवंथ सेट फॉर दिस इवनिंग इज ग्रोन. G-R-O-A-N, ग्रोन. पहला वर्ड है G-R-O-A-N, ग्रोन. यानी कि इंडिकेट पेन, डिस्कम्फर्ट और डिस्प्लेजर. जी हाँ, जब हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था, दर्द हो रही थी, डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है, या फिर थोड़ा सा डिस्प्लेजर हो रहा होता है, तो हम उसे कहते हैं ग्रोन. जैसे कि सपोज कीजिए, क्लास में टीचर आया और टीचर ने कहा कि आज मैं एक सरप्राइज टेस्ट लूंगा, तो जल्दी से तैयार हो जाइए. तो सभी बच्चों ने क्या, तो ये जो थोड़ी सी दर्द, गुस्सा, डिस्कम्फर्ट, इसे हम कहते हैं ग्रोन. G-R-O-A-N, ग्रोन. तो चलिए दोस्तों, जो दूसरा वर्ड है, वैसे दोस्तों एक बात कहूँ, यहाँ पे जो डॉगी गुर्राते हैं उन्हें भी हम ग्रोन कह सकते हैं. सो ग्रोन. तो दूसरा ग्रोन है G-R-O-W-N, ग्रोन. जी हाँ, G-R-O-W-N, ग्रोन. यानी कि ये होता है जो बड़ा हो जाना, जैसे ही इज अ ग्रोन अप मैन नाउ, अब वो बड़ा हो गया. सो ग्रोन, G-R-O-W-N, ग्रोन. तो चलिए, द एट्थ सेट फॉर दिस इवनिंग इज हेल. पहला हेल है H-A-I-L, हेल. यानी कि प्रेज ग्रेटली, बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा किसी की तारीफ करना, तो उसे कहते थे हेल. जैसे कि अवर प्रिंसिपल हेल्ड द एफर्ट्स ऑफ अवर स्टूडेंट्स. जी, हमारे बच्चों ने जो एफर्ट्स डाले उसमें जो हमारे प्रिंसिपल है उन्होंने बहुत प्रशंसा की उनकी. सो हेल, यानी कि प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना. तो दूसरा हेल है दोस्तों H-A-L-E, हेल. पहला था H-A-I-L, हेल. दूसरा हेल है H-A-L-E, हेल. यानी कि एग्जिबिटिंग और रिस्टोर्ड टू विग्रस गुड हेल्थ. हेल, जैसे हम आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं हेल एंड हार्टी. जी हाँ, मतलब फिट एंड फाइन. सो हेल एंड हार्टी. सो हेल यानी कि जब आपकी हेल्थ अच्छी हो, सही हो, तो हेल, H-A-L-E, हेल. तो चलिए, द नाइन्थ सेट फॉर दिस इवनिंग इज हेयर. पहला हेयर है H-A-I-R, हेयर. यानी कि बाल, जो बाल होते हैं हमारे, तो हेयर. जैसे शी हैज ब्यूटीफुल हेयर, या ही हैज अ कूल हेयर कट. सो हेयर, बाल. दूसरा हेयर है दोस्तों H-A-R-E, हेयर. हो सकता है ये वर्ड आपने शायद पहली बार ही सुन रहे हो आज. हेयर, H-A-R-E, हेयर. यानी कि रन quickly, like a hare. या हेयर की तरह, एक हेयर होता है एनिमल, तो उसकी तरह जब आप कोई भागता है तो उसे हम कह देते हैं हेयर. रन क्विकली, हेयर. एग्जाम्पल देती हूँ, ही हेयर डाउन द हिल, मतलब तेजी से भागता आया हिल से नीचे. सो ही हेयर डाउन द हिल. तो चलिए, द टेंथ सेट फॉर दिस इवनिंग इज
हार्ट, जी हाँ हार्ट, पहला हार्ट है H-A-R-T, हार्ट, H-A-R-T, हार्ट, यानी कि अ मेल डियर, स्पेशली एन एडल्ट मेल रेड डियर, जी हाँ जो डियर होता है उसे हम कह देते हैं, डियर हिरन को हम कह देते हैं, उसमें जो मेल मेंबर होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसे, हार्ट, H-A-R-T, हार्ट। तो दोस्तों जो दूसरा हार्ट है वो है H-E-A-R-T, हार्ट, यानी कि दिल, जी हाँ दिल, H-E-A-R-T, हार्ट। तो चलिए ये हो गया हमारा सेकंड सेगमेंट समाप्त, बट लेट मी क्विकली टेक अ रिकैप ऑफ दीज सेट्स। तो चलिए द सिक्स्थ सेट वाज ग्रेट, G-R-E-A-T, ग्रेट, यानी कि बहुत उमदा, वेरी गुड, और साथ ही दूसरा गेट था G-R-A-T-E, ग्रेट, यानी कि अ फ्रेम ऑफ आयरन बार्स टू होल्ड अ फायर, आग को पकड़ने के लिए जो लोहे का फ्रेम बना होता है उसे हम ग्रेट कह देते हैं। सेवंथ सेट वाज ग्रीव, पहला वर्ड था G-R-I-E-V-E, ग्रीव, यानी कि कॉज टू फील सॉरो, सैड फील करना, उदास फील करना, तो वो ग्रीव, G-R-I-E-V-E, ग्रीव। दूसरा ग्रीव था G-R-E-A-V-E, ग्रीव, यानी कि आर्मर प्लेट दैट प्रोटेक्ट्स लेग्स बिलो द नीज, जो घोटे के नीचे वाला हिस्सा होता है टांग का, वो जो प्रोटेक्ट करता है उसे हम कहते थे शील्ड को, ग्रीव, G-R-E-A-V-E, ग्रीव। तो चलिए द सेवंथ सेट वाज ग्रोन, पहला ग्रोन था G-R-O-A-N, ग्रोन, यानी कि जब आपको थोड़ा सा दर्द हो रहा हो, डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, डिसप्लेजर हो रहा हो, तो जो आप आवाज तब निकालते हैं तो उसे हम ग्रोन कह देते हैं। जैसे जब टीचर ने कहा कि वो आज टेस्ट ले रहे हैं तो आपने क्या किया, तो थोड़ा सा मतलब डिस्कम्फर्ट दिखाया, सो ग्रोन, G-R-O-A-N, ग्रोन। दूसरा वर्ड है G-R-O-W-N, ग्रोन, यानी कि बड़े हो जाना, जैसे ही इज अ ग्रोन अप मैन नाउ। तो एट्थ सेट वाज हेल, पहला वर्ड था H-A-I-L, हेल, यानी कि प्रेज ग्रेटली, बहुत अच्छी तरीके से किसी की तारीफ करना, बहुत तारीफ करना, तो वो हेल, H-A-I-L, हेल। दूसरा हेल था दोस्तों H-A-L-E, हेल, यानी कि एग्जिबिटिंग और रिस्टोर्ड टू विग्रस गुड हेल्थ, जब किसी की जो सेहत है वो अच्छी होती है, ठीक हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, तो वो हेल, H-A-L-E, हेल। जैसे आपने ये फ्रेज सुना होगा, हेल एंड हार्टी, सो हेल हेल्दी और हार्टी, हेल एंड हार्टी मतलब तंदुरुस्त, बिल्कुल सही। तो नाइन्थ सेट वाज हेयर, पहला हेयर था H-A-I-R, हेयर, यानी कि बाल। दूसरा हेयर था H-A-R-E, हेयर, यानी कि रन क्विकली, तेजी से भागना, हेयर, H-A-R-E, हेयर। तो चलिए द टेंथ सेट वाज हार्ट, पहला वर्ड था हार्ट, H-E-R-T, हार्ट, यानी कि अ मेल डियर। दूसरा वर्ड था हार्ट, H-E-A-R-T, हार्ट, यानी कि दिल। तो चलिए लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द नेक्स्ट सेट, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ड्रॉप इन, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग।
तो चलिए दोस्तों, नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 30th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट होमोफोन वर्ड्स. दीज आर द वर्ड्स वेयर द साउंड इज अलाइक बट द मीनिंग एंड स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. तो चलिए, द 11th सेट फॉर दिस इवनिंग इज, पहला वर्ड है हे, H-A-Y, hay, यानी कि ग्रास मोव्ड एंड क्योर्ड फॉर यूज एज अ फॉडर. जी हाँ, अगर आम भाषा में कहूँ तो गाय को जब हम खाने के लिए घास को इकट्ठा करते हैं, फॉडर बनाते हैं सूखे घास को, तो उस सूखे घास को हम हे कह देते हैं, H-A-Y, hay. तो दूसरा हे है H-E-Y, hay, जैसे कि हम किसी को ग्रीट करते हैं, हे देयर, सो हे, H-E-Y, hay, हे माय लिसनर्स, सो H-E-Y, hay. तो 12th सेट इज हील. पहला हील है H-E-A-L, heal, यानी कि गेट हेल्दी अगेन. कोई किसी को बुखार हो गया या किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो आप उसे क्या कह रहे हैं कि डोंट वरी, टेक मेडिसिन एंड यू विल हील क्विकली. तो हील मतलब वापस अच्छे से हेल्दी हो जाओगे. सो हील, H-E-A-L, heal. तो दूसरा जो वर्ड था वो है हील, H-E-E-L, heal, यानी कि आपको पता है जैसे जूतों में हील होती है, सैंडल्स में हील होती है, जैसे द बॉटम ऑफ अ शू और बूट, द बैक पार्ट ऑफ अ शू और बूट दैट टचेस द ग्राउंड एंड प्रोवाइड्स एलिवेशन, थोड़ा सा ऊंचा होता है. हील पहनते हैं जैसे आजकल, आपको समझ आ ही गया होगा. सो वो होता है हील, H-E-E-L, heal. तो चलिए, द 13th सेट इज, पहला वर्ड है हियर, H-E-A-R, hear, यानी कि सुनना. कैन यू हियर मी, नॉक नॉक, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो. तो हियर, H-E-A-R, hear. दूसरा हियर है दोस्तों H-E-R-E, hear, जैसे कि यहाँ, जैसे कम हियर इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में यहाँ आना. सो हियर, H-E-R-E, hear. पहला था हियर, H-E-A-R, hear, यानी कि सुनना, H-E-R-E, hear, यानी कि कम हियर. तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट सेट इज हर्ट. पहला वर्ड है हर्ट, H-E-A-R-D, hurt, यानी कि हर्ड यू सेइंग दैट, जैसे कि मैंने तुम्हें सुना वो कहते हुए. तो हियर हो गया प्रेजेंट में, हर्ट हो गया पास्ट में. तो वो पास्ट में हम सुनने को जो वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं हर्ट, जैसे कि लास्ट नाइट आई हर्ड माई बेस्ट फ्रेंड टॉकिंग अबाउट अ सरप्राइज टेस्ट. सो हर्ट, H-E-A-R-D, hurt. तो दूसरा हर्ड है दोस्तों H-E-R-D, hurt, H-E-R-D, hurt, यानी कि अ ग्रुप ऑफ cattle, sheep और अदर डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑल ऑफ द सेम काइंड, जो एक तरीके के एनिमल्स का झुंड होता है, हम उस झुंड को कह देते हैं हर्ट, H-E-R-D, hurt. अक्सर आजकल ये जो वर्ड है ये लोगों के लिए भी यूज हो जाता है जहाँ पे क्राउड एक तरीके का हो, जैसे म्यूजिकल कंसर्ट है, तो वहाँ पे म्यूजिकल कंसर्ट में म्यूजिकल लोग आए हुए हैं, तरह तरह के अजीब अजीब अलग अलग, तो वो हर्ट, सो हर्ड ऑफ पीपल. तो हर्ड यानी कि एक झुंड, मेनली ये होता है कैटल का, शीप का या फिर अदर डोमेस्टिक एनिमल्स का, बट अदरवाइज लोगों के लिए भी आजकल यूज होता है. तो चलिए, द 15th सेट फॉर दिस थर्ड सेगमेंट इज हीरोइन. पहला वर्ड है हीरोइन, H-E-R-O-I-N, हीरोइन, यानी कि ये दोस्तों एक आपने सुना होगा एक ड्रग होता है दैट इज कंसीडर्ड अ हार्ड ड्रग. जी अक्सर आपने सुना होगा न्यूज में, वैसे भी जो ड्रग को कहते हैं हीरोइन, H-E-R-O-I-N, हीरोइन. तो दोस्तों दूसरा हीरोइन है दोस्तों H-E-R-O-I-N-E, हीरोइन, जी हाँ H-E-R-O-I-N-E, हीरोइन, यानी कि द मेन गुड फीमेल करेक्टर इन अ वर्क और फिक्शन. पता ही आपको हीरोज हीरोइन जैसे दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, एमा वॉट्स एंड सो ऑन. तो हीरोइन, H-E-R-O-I-N-E, हीरोइन, दोनों में बस ई का फर्क है. जो एक्ट्रेस वाली हीरोइन है उसमें ई पीछे लगता है और ड्रग वाली में ई नहीं लगता है. तो चलिए, लेट मी क्विकली टेक अ रिकैप ऑफ दिस सेगमेंट. द 11th वर्ड सेट वाज हे. पहला हे, H-A-Y, hay, जो घास होता है इकट्ठा किया होता है अपनी गाय भैंसों को खिलाने के लिए, उसे हे कह देते हैं. दूसरा हे था H-E-Y, hay, ग्रीटिंग, जैसे कि हे देयर. तो 12th सेट वाज हील, H-E-A-L, heal, यानी कि गेट वेल सून टाइप ऑफ थिंग, गेट हेल्दी अगेन, तो हील, जैसे आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन यू विल हील क्विकर, तो जल्दी ठीक हो जाओगे. तो दूसरा जो वर्ड था वो था हील,
HEEL हील, यानी कि द बॉटम ऑफ अ शू और बूट। द अक्सर आपने देखा कि जूतों में हील होती है, तो हील HEEL हील। तो 13 वर्ड या कहूं सेट था। हियर पहला था, हियर HEAR हियर यानी कि सुनना, आई कैन हियर यू। दूसरा हियर था HEARE हियर यानी कि कम हियर इन 2 मिनट्स, यहाँ आओ, तो यहाँ आने को यहाँ पे हियर। तो 14th सेट वॉज हर्ड, पहला हर्ड था HEARD हर्ड यानी कि जैसे पास्ट में सुनाई देना, जैसे सपोज कीजिए कल मैंने आपको सुन लिया बात करते हो, yesterday I heard you talking, so heard HEARD हर्ड। दूसरा हर्ड था HEARD हर्ड यानी कि अ ग्रुप ऑफ कैटल, शीप और अदर डोमेस्टिक एनिमल्स, ऑल ऑफ द सेम काइंड, मतलब एक तरीके के जब एनिमल झुंड में होते हैं तो उन्हें हर्ड कर देते हैं, तो हर्ड। लोगों को भी मतलब अक्सर हम हर्ड यूज कर देते हैं वर्ड, जैसे झुंड लोगों का HEARD हर्ड। तो 15th सेट वॉज हीरोइन, पहला हीरोइन था HEROIN हीरोइन, जो कि एक ड्रग होता है हम सभी जानते हैं। दूसरा हीरोइन था HEROINE हीरोइन यानी कि एक्ट्रेस, जो एक्ट्रेस होती है मूवीज में, हर जगह फिक्शन में, वर्क में, तो हीरोइन। तो चलिए आई विल बी राइट बैक विद द 4th सेगमेंट ऑफ वोकैबुलरी डोज, लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। तब तक आप भी पानी पी आइए, कोई डाउट्स हैं तो क्लियर करने के लिए आप लिख सकते हैं, बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। www.radioeden.com तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द 4th सेगमेंट ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट होमोफोन वर्ड्स। तो चलिए लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 16th सेट ऑफ दिस एपिसोड। तो जो वर्ड है वो है ह्यू, पहला वर्ड है ह्यू HEW ह्यू यानी कि मेक और शेप एज विद एन एक्स। जी हाँ, एक खुरपा जो होता है, खुरपे से बड़ा जो होता है, अब मुझे हिंदी में नाम नहीं याद आ रहा, तो वो खुरपे से जो बड़ा होता है जिसे हम काटते हैं पेड़ या फिर टहनिया, तो उसे हम कहते हैं एक्स। तो यहाँ पे मेक और शेप एज विद एन एक्स, जो उसके कट होता है, उससे कट लगते हैं, उन कट्स को हम कहते हैं ह्यू HEW ह्यू। एग्जाम्पल देती हूँ, ह्यू आउट अ पाथ इन दिस रॉक। जी हाँ, सपोज कीजिए पहाड़ में आपने रास्ता बनाना है, तो ह्यू आउट यानी कि उस जो खुरपे से बड़ा चीज होती है जो मुझे याद नहीं आ रही है, उससे काट काट के रास्ता बनाना, सो ह्यू आउट ह्यू जो वो कट्स होते हैं। तो दूसरा ह्यू है दोस्तों HUE ह्यू यानी कि द क्वालिटी ऑफ अ कलर एज डिटर्मिंड बाय इट्स डोमिनेंट वे लाइन। जी हाँ दोस्तों, ये रंग से रिलेटेड है, जो मेन उसका रंग होता है डोमिनेटिंग, उससे रिलेटेड उस तरफ को जो रंग, उसे हम कहते हैं ह्यू HUE ह्यू क्वालिटी, ह्यू रंग की क्वालिटी। तो चलिए द 17th सेट फॉर दिस इवनिंग इज, पहला वर्ड है हायर HIGHER हायर यानी कि ऊपर जाते रहना, जैसे कि नाउ ही विल बी गोइंग इन हायर क्लासेस, सो हायर ऊपर की। तो दूसरा वर्ड था हायर HIRE हायर, वो होता है जैसे हमने किसी को काम करवाने के लिए हायर कर लिया पैसे देके, जैसे सपोज कीजिए आपके घर में मेड की जरूरत है, तो आपने मेड को हायर किया तो वो आके काम कर गई, तो हायर मेड को हायर किया, हायर मतलब पैसे देके किसी से काम करवाना, सो हायर करना। तो चलिए द 18th सेट फॉर दिस इवनिंग इज, पहला वर्ड है हिम HIM हिम यानी कि आपको पता ही है लड़कों के लिए यूज होता है हिम। एग्जाम्पल देती हूँ, यू शुड टॉक टू हिम नाउ, तुम्हें अब उससे बात करनी चाहिए, तो उससे हिम टॉक टू हिम, उससे बात करो टॉक टू हिम। तो दूसरा हिम है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आपने अक्सर सुना होगा वर्ड हिम HYMN हिम HYMN हिम यानी कि अ सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड और टू अ सेंट और टू अ नेशन। जी हाँ, जो गाना गाया जाए प्रेज में, तारीफ में, भगवान की, सेंट की या नेशन की, कंट्री की, उसे हम कह देते हैं हिम HYMN हिम। तो चलिए द 19th सेट फॉर दिस इवनिंग इज हॉर्स, पहले हॉर्स HOARSE हॉर्स यानी कि डीप एंड हार्श साउंडिंग एज इफ फ्रॉम शाउटिंग, बहुत तीखी सी चीखने की आवाज आ रही हो, तो उसे हम हॉर्स कह देते हैं HOARSE हॉर्स। इलनेस की वजह से भी हो सकती है, इमोशन की वजह से भी हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आई हर्ड सम हॉर्स क्राइज,
तो हॉर्स यानी कि चीखे। तो दूसरा वर्ड है दोस्तों हॉर्स, एच ओ आर एस ई हॉर्स, यानी कि घोड़ा। तो हॉर्स, एच ओ आर एस ई हॉर्स। तो चलिए द लास्ट 20th सेट ऑफ दिस इवनिंग इज आवर। जी हाँ, पहला है आवर, एच ओ यू आर आवर, यानी कि अ पीरियड ऑफ टाइम इक्वल टू 60 मिनट्स। जी हाँ, घंटे को हम कह देते हैं आवर, एच ओ यू आर आवर। दूसरा वर्ड है आवर, ओ यू आर आवर, यानी कि हमारा, बिलोंगिंग टू अस। जैसे कि दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर स्कूल, दिस इज आवर नेशन, दिस इज आवर रेडियो स्टेशन। सो आवर, ओ यू आर आवर। लेट मी क्विकली टेक अ रिकैप ऑफ दिस सेगमेंट। वेल द 16th सेट वॉज ह्यू, एच ई डब्ल्यू ह्यू, यानी कि मेक और शेप एज विद अ एक्स, कट मानना, वो कट को कहते हैं ह्यू। दूसरा ह्यू था एच यू ई ह्यू, यानी कि द क्वालिटी ऑफ अ कलर, कलर की क्वालिटी की जब बात की जाए तो ह्यू वर्ड यूज होता है। तो 17th सेट वॉज में वर्ड थे हायर, पहला था एच आई जी एच ई आर हायर, यानी कि ऊपर जाते रहना, जैसे आई विल बी इन हायर क्लासेस नाउ। तो दूसरा हायर था एच आई आर ई हायर, जैसे किसी को किराए पे लेना, काम करवाना किसी से हायर करके उसे, तो हायर। 18th सेट वॉज हिम, पहला हिम था एच आई एम हिम, यानी कि उसका, जैसे आई विल टॉक टू हिम, मैं उससे आई विल टॉक टू हिम। दूसरा हिम था एच वाई एम एन हिम, यानी कि अ सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड और टू अ सेंट और टू अ नेशन, किसी की प्रेज में जब गाते हैं हम, भगवान हो चाहे वो सेंट हो या फिर नेशन हो, तो उसे हम हिम कह देते हैं, एच वाई एम एन हिम। 19th सेट वॉज हॉर्स, एच ओ ए आर एस ई हॉर्स, यानी कि डीप एंड हार्श साउंडिंग एज इफ फ्रॉम शाउटिंग इलनेस और इमोशन, चीखे माना चिल्लाना, उसे हम कहते हैं हॉर्स, एच ओ ए आर एस ई हॉर्स, जैसे आई हर्ड सम हॉर्स क्राइज। जिसका दूसरा वर्ड है वो है हॉर्स, एच ओ आर एस ई हॉर्स, यानी कि घोड़ा। तो जो 20th सेट था, लास्ट सेट, वो था आवो। पहला वर्ड है आवो, एच ओ यू आर आवो, यानी कि घंटा, 60 मिनट्स इज इक्वल टू एन आवो, तो आवो, एच ओ यू आर आवो। दूसरा आवर है ओ यू आर आवो, यानी कि बिलोंगिंग टू अस, जैसे कि दिस इज अवर स्कूल, दिस इज अवर नेशन, दिस इज अवर स्कूल हाउस, तो दिस इज अवर रेडियो स्टेशन। तो दोस्तों, दीज वर द लास्ट सेट्स ऑफ दिस सेगमेंट। लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द लास्ट सेगमेंट ऑफ वोकैबुलरी डोज। स्टे ट्यून्ड एंड यस, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ड्रॉप इन योर क्यूरीज। Dil
सुलभ जा So, dosto, now we're in the last segment of this vocabulary dose, and I hope you loved these words, these sets, and these segments. Well, agar aapko koi bhi doubt hai, aapko kahin bhi confusion hai ya kuch samajh nahi aaya, to aap bejhijak mujhse pooch sakte hain. Poochne ke liye hamari Skype ID hai Radio Udaan, aur email ID hai mail@radioudaan.com. Facebook pe bhi aap hamare page pe apni query, question, doubt ya feedbacks bilkul drop in kar sakte hain. URL hai www.facebook.com/radioudaan. और साथ ही फ्रेंड्स मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है divyasharma.bs@therateofgmail.com. ट्विटर पे आप रेडियो उड़ान के नाम से हमें ढूंढ सकते हैं, और अगर कोई एपिसोड आपको चाहिए दोस्तों तो आप बेझिझक हमसे मांग सकते हैं. तो चलिए फिर अभी मैं लेती हूँ इजाजत. इस 30th एपिसोड में हमने बात की होमोफोन वर्ड्स की, और तकरीबन कुछ 18-19 होमोफोन सेट्स की बात की, यानी कि इससे डबल वर्ड्स हो गए. तो उम्मीद है मुझे आपको ये समझ आए होंगे, और रट्टा मत लगाइएगा. जितना आप समझ सकते हैं, जितना यूज कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि जितने आप इंग्लिश वर्ड्स को यूज करेंगे उतना ही वो आपकी वोकैबुलरी में स्ट्रांगली बैठ जाएगा. तो चलिए फिर, मैं आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम रेनंगल स्टूडियो पंजाब इंडिया लेती हूँ इजाजत. मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट every Friday 2 to 3 PM only on Radio Udaan, a flight of life. Stay tuned, stay happy and take care. रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां. दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां. और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां. थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी. तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे के खुशियों की घटा छाई थी. तुम थे के था कोई फूल खिला, और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां. दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां. और फिर चल दिए तुम कहां हम कहां.
खुशबू हवाओं में थी, तुम थे या रंग सारी दिशाओं में थे। चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। Varieties of music. And more, so keep listening. Radio Love.